नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के। 3 महीने हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला का निधन हो चुका है। इतने बेरहम तरीके से जब उनका निधन हुआ, जहां लॉरेंस बिश्नोई अब तक जेल में है और लगातार सिद्धू मूसेवाला का ये केस जो है वो चलता जा रहा है। उनका परिवार पूरी तरीके से सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस बीच इस केस की पूरी तरीके से गुत्थी जो है वो सुलझ गई है। लेकिन उसी बीच कई ऐसी चीजों के अभी भी खुलासे हो रही हैं, जहां न्याय होना बाकी है। वही बात करें सिद्धू मूसेवाला के परिवार की, तो पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला वापस आए, लेकिन ये तो नामुमकिन ही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का परिवार जो पूरी तरीके से टूट गया था, फिलहाल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है और उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है कि न्याय तो चाहिए। और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का परिवार नहीं, बल्कि उनके फैंस, उनके चहेते उनको न्याय दिलाने की दुआ कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और इसी के साथ उनके गुनहगारों को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया था जहां पर देखने को मिला था कि सिद्धू मूसेवाला के गुनहगार खुलेआम गाड़ी में किस तरह से पिस्तौल दिखाकर जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, जिसके बाद उनको पकड़ा गया और उसके बाद अब उनको सजा हो रही है। लेकिन इसी बीच आपको एक बता दें, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये ऐसी खबर है जहां सिद्धू मूसेवाला के जो भतीजे हैं उन्होंने एक सपना देखा है। जी हाँ, छोटे से उनके भतीजे हैं, एक खास प्यार दोनों के बीच देखा जा सकता है। अगर हम कुछ फोटोज देखें या वीडियोज देखें जिसमें देखने को मिलता है कि एक भतीजे और एक चाचा में किस तरह का प्यार था, तो उसी बीच उनका एक छोटा सा बयान आया जहां पर सिद्धू मूसेवाले की भाई की पत्नी यानी कि उनकी भाभी बोलते हुए नजर आई है कि इसने अपने सपने में सिद्धू चाचा को देखा और कहा, उसने इससे बात भी की और ये कहा कि मैं वापस आऊंगा और मेरे शरीर पर गोलियों के निशान होंगे, और साथ में ये भी कहा कि बच्चे का जो कहना होता है वो झूठ नहीं होता, बच्चा भगवान का रूप होता है और कहीं ना कहीं उसे सपना देखा है तो हो सकता है कि सिद्धू लौट आए। देखिए, ये सब चीजें होती हैं क्योंकि आप मन में जब उसके बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे के मन में एक साफ मन में इस तरह का कोई सपना आता है तो मतलब इसका कोई बड़ा इशारा है। लेकिन एक बड़ी खबर ये सिद्धू मूसेवाला फैंस के लिए है कि जल्द ही सिद्धू मूसेवाला के गुनहगारों को जो है पूरी तरीके से सजा मिलेगी और सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ मिलेगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।